सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आइसोथर्म से मतलब ये रहेगा कि आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है एंड प्रेशर और अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब ऑन द सॉलिड एड्सॉर्बेंट विद कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, हमारे को ये सब रिलेशनशिप डिस्कस करनी है। तो जो है आपका इसमें आपकी एक फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है और एक लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। तो इसमें आपका आप जो हो, यदि इसको वर्ड्स पे जाओ तो आप x बाई एम और p पे के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कशन करोगे। x क्या है? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है, और m अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो इसको आप कई कुछ बुक्स में w बाई एम भी लिख दिया जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये सेम ही होता है। पी प्रेशर है आपका। तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप है इनको हम डिस्कस इन दो थ्योरम्स में कर लिया। तो हम लोग फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्या करा गया था फ्रेंडलिक ने, आपका एक्स वाई एम था और पी में रिलेशनशिप खींची थी। तो ये आपका इस तरह ग्राफ, ठीक है। तो अब सबसे पहले उसने ग्राफ खींचा प्रेशर और इसमें लेकर, एक्स जो है आपका अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट, एम अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, तो ये आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ये आपका एड्सॉर्बेंट और ये एड्सॉर्बेंट। तो इसको से मैथमेटिकल रिलेशनशिप में डिराइव करना है। तो इसमें मैथ का क्या फॉर्मूला रखा जाए, तो आप यदि यहां पर देखें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग के केस को आप कह सकते हो एक्स वाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी, और यहां पर जब ये केस आया था तो इसको आप क्या कह सकते हैं, एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर जीरो, यानी मतलब पी की पावर वन से लेकर जीरो के बीच में वैरी कर रही है चीजें। तो उसने एक रिलेशन बनाया एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर वन बाई एम। तो यहां पर वन बाई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, यानी एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। यहां पर वन बाई एम की सेकंड केस में क्या हो जाएगी वैल्यू आपका जीरो, यानी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी n की वैल्यू आपकी 1 से इन्फिनिटी के बीच में उसने मान। तो इसको आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो x by m is equal to kp 1 by n बन जाएगा रिलेशन, ठीक है। अब जो है आपका इसको आपने ग्राफ के लॉग लेके देखें, तो लॉग लेके क्या इक्वेशन बनेगी, लॉग आपका x by m is equal to log k plus 1 by n log p। तो ये आपकी रिलेशनशिप में आती है। तो इसका ग्राफ हम आगे डिस्कस। लॉग यहां पे एक्स वाई एम ले लीजिए, यहां पे लॉग पी ले लीजिए, ये आपकी वाई बराबर सी प्लस एम एक्स की इक्वेशन बन जाती है, सॉरी एम एक्स की। तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है, तो कुछ क्वेश्चन आ जाता है, कुछ प्रश्न प्रैक्टिकली ऐसा भी मिलता है। और ये आपका स्लोप जो है, सॉरी स्लोप यहां पे आएगा दैट इज इक्वल टू वन बाई एन, और ये आपका इंटरसेप्ट होता है दैट इज इक्वल टू लॉग की, ठीक है। तो इस पर मतलब फ्रेंडलिक क्वेश्चन पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं या फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हीं में आपको मोर देन वन ऑप्शन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ही टिक करना होता है, ठीक है। तो अब जो है हम आगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थी, ये मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। तो लैंगमुइर ने भी एक अपनी एड्सॉर्प्शन थ्योरम दी जिसे वो मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए एप्लीकेबल थी, और उसकी अपनी पोस्टुलेट्स थी। फर्स्ट तो उसने कहा था यूनिमोलिकुलर लेयर आपके लिए वैलिड है, दूसरा यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हो रहा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी हो रहा, तो इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने बात करी थी, ठीक है, ठीक है।
तो इस तरीके की उनने कुछ पॉस्टुलेट्स मानी थी, और ये मतलब जो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन थ्योरम है इस टाइप स्पेशल केस। तो उसने माना था कि भाई जो रेट ऑफ आपका इवेपोरेशन है रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है आपका कवर्ड सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल में रहेगा थीटा के, ठीक है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, ठीक है ना, रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, एक तो आपका नेट सरफेस एरिया जिसे आपने 1 माइनस थीटा का है, और दूसरा अप्लाइड प्रेशर जिसे आप क्या कहते हैं पी, इन दोनों प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहां पे जो ये आर सी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी इंटू 1 माइनस थीटा, इसके प्रोपोर्शनल था, ये रेट ऑफ एपरेशन था। तो रेट ऑफ एपरेशन को आर ई मान लिया, ठीक है, इसे के टू थीटा मान लिया, और इसे आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा इंटू पी मान लिया, दोनों के प्रोपोर्शनल में था तो नेट रिजल्ट ये आ जाता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगा दिया आपने यहाँ पर केवल, ठीक है, तो ये दोनों आपके रेट एक पर्टिकुलर टाइम पर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका आया था के टू थीटा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन के वन 1 माइनस थीटा इंटू पी, इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका बनेगा के टू थीटा इज इक्वल टू के वन पी माइनस के वन थीटा पी, तो ये आपका बन जाएगा के टू थीटा प्लस के वन पी थीटा इज इक्वल टू के वन पी, सॉरी के वन, ठीक के वन पी, हाँ सॉरी, तो थीटा कॉमन ले लिया, के टू प्लस के वन इज इक्वल टू के वन पी, थीटा इज इक्वल टू के वन पी ओवर के टू प्लस के वन, ठीक है। अब आपने हाँ जी, तो इसमें जो है के वन की डिवाइड कर दिया आपने, थीटा इज इक्वल टू के वन बाय के टू, के टू की डिवाइड कर दी पी इंटू के टू बाय के टू प्लस के वन बाय के टू पी, के वन बाय के टू इज इक्वल टू भी एक नया कॉन्स्टेंट कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन ये रूप ले लेगी, थीटा इज इक्वल टू बीपी प्लस 1 प्लस डीपी। इस इक्वेशन का हम आगे, तो आपका जो एडसॉर्प्शन है एक्स वाई एम दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है, तो एक्स वाई एम इज इक्वल टू के थ्री थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो एक्स वाई एम इज इक्वल टू के थ्री इंटू बीपी प्लस 1 प्लस डीपी हो गया। तो के थ्री इंटू बी को आपने ए का नाम दे दिया, तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एपी प्लस 1 प्लस डीपी, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी लैग्रैन्ज के एडसॉर्प्शन थ्योरम, जिससे हम आगे प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे और इसको डिराइव भी करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है ए और बी कॉन्स्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है।
ठीक है इन पर ये तो आप जो वीडियो को स्टॉप करके x बाई एम का और ये जो इक्वेशन है ए पी प्लस वन प्लस बीपी इसका ग्राफ खींचिए इससे पी अपॉन एक्स बाई एम बाई पी का और एम बाई एक्स और वन अपॉन पी का इसमें इंटरसेप्ट और स्लोप बताइए ठीक है। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग इस पर क्वेश्चन बनता है तो खींचिए फिर हम इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसमें आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो एक्स बाई एम बाई पी इज इक्वल्स टू ए वन प्लस बी पी उल्टा कर दें इसको पी ओवर एक्स बाई एम आ जाएगा ठीक है और वन अपॉन ए प्लस बी बाई ए इंटू पी हो जाएगा ठीक है। ये इक्वेशन बन गई तो ये आपकी y बराबर एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन रही है इस तरीके की आएगी। तो ये आपका इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू वन बाई ए हो जाएगा और स्लोप इज इक्वल्स टू बी बाई ए। इसमें आप क्या कीजिए कि इसको उल्टा कर दीजिए तो एम बाई एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस बी पी ओवर ए पी ठीक है ना। तो आपका एम बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका तो वन ओवर ए इंटू वन ओवर टी प्लस आपका डी वाई ए बचेगा ठीक है। तो ये आपका ये भी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन गई। तो आपका ये जो है इंटरसेप्ट डी वाई ए हो गया और स्लोप आपका वन बाई ए हो गया ठीक है। तो ये जो आपके अभी आपने थ्योरी से निकाले हैं प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच करते हैं जो प्रूव करते हैं लैंगमुइर एडसॉर्प्शन थ्योरम आपकी करेक्ट का जो फ्रेंडुलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है दैट इज द स्पेशल केस ऑफ लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इससे ये प्रूव हो जाती है। तो एट लो प्रेशर वन इज ग्रेटर देन बीपी ठीक है तो यानी वन प्लस बीपी इक्वल्स टू वन रख सकते हैं तो एम बाई एम इक्वल्स टू एपी यानी एम बाई एक्स बाई एम इक्वल्स टू पी ठीक है। ये केस था फ्रेंडली का ऑप्शन थ्योरम में। और एट हाई प्रेशर आप रख सकते हो बीपी इज ग्रेटर देन वन यानी वन प्लस बीपी इक्वल्स टू वन रख सकते बीपी रख सकते हैं आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए एक्स बाई एम इक्वल्स टू एपी बाय डीपी तो डी से बिगड़ गया ये कांस्टेंट आ गया कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट तो एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर जीरो। ये फ्रेंडली का एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बेस थी दोनों बातें ठीक है ना वो आपके लैंगमुइर एडसॉर्प्शन थ्योरम से प्रूव हो जाती है और ये मोर हाई रेंज पे आपकी वर्क करती है। तो आईडी जे के लिए आपकी बस इतना जानना है इनके बारे में काफी है एडसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन चैप्टर के बारे में और एडसॉर्प्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन भी है ठीक है। कैटालिसिस में इसका एब्जॉर्प्शन होता है ठीक है आयन एक्सचेंज रीजन में इसका एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन होता है और मतलब केमिकल रिएक्शन भी एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर होते हैं बॉडी में भी जो एंजाइम्स और वर्किंग है उसमें एब्जॉर्प्शन फिनोमिना का एक विशेष रोल है। तो ये आपका जो है मतलब एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आते हैं आईडीजेई में बहुत स्मॉल चैप्टर है तो इसकी मोर वेटेज रहती है तो इसमें आसान क्वेश्चन आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन Gas masks. These contain activated charcoal or a mixture of adsorbents and are used for breathing in an atmosphere containing poisonous gases. Removing of coloring matter. Animal charcoal removes colors of solutions as coloring impurities are preferentially adsorbed on charcoal. For example, bone charcoal is used as decolorizer in sugar industry. Controlling humidity. Silica and alumina gels are used as adsorbent for removing moisture and controlling humidity. Adsorption indicators. Dyes like eosine and fluorescein are used as indicator in titrating bromide solution with AgNO3. Precipitate of silver halide as the property of adsorbing these dyes and thereby producing characteristic deep colors at the end point in the titration. In curing of diseases, a number of drugs kill the germs by getting adsorbed on them.
removal of hardness of water. Iron exchange resins are used for removal of hardness of water. Applications हैं जैसे production of high vacuum. तो high vacuum में यदि आपके पास कोई vessel connect है उसमें आपने activated charcoal डाल दिया, ठीक है, वो gas molecule को absorb कर लेगा, तो आपका जो vacuum आ जाएगा. गैस मास पे जैसे वर्ल्ड वार के टाइम में लोग पॉइजनस गैस वगैरह छोड़ते थे, तो लोग उससे बचने के लिए जो सोल्जर्स थे दे आर यूजिंग गैस मास्क. तो गैस मास्क पर एडसॉर्बेंट होते हैं एक्टिवेटेड चारकोल और सीरीज ऑफ एडसॉर्बेंट जो पॉइजनस गैस को एड्सॉर्ब कर लेते थे और प्योरीफाई गैस जो है ब्रीथिंग के लिए यूज करते थे. हिट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी आपका जो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो आपके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, कैटलिस्ट की सरफेस पर. देन दे मेक द एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स. दिस कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल व्हिच देन टेक ऑफ फ्रॉम द सरफेस. रिमूवल ऑफ नेक्स्ट एप्लीकेशन है कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस. तो कलरिंग मैटर जो होते हैं एनिमल चारकोल डालते हैं आप कलरिंग कलर्स ऑफ सॉल्यूशन में, वो कलर को एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस पर, ठीक है. इसका एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर में करा जाता है. कलर्ड सॉल्यूशन इज क्लेरिफाइड बाय ट्रीटिंग एनिमल चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल. नेक्स्ट आपका प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपका जो है आप इसमें यूज करते हैं क्या नाम की प्योरिफिकेशन में जो है सल्फाइड ओर्स के, तो वहां पर जो पाइन ऑयल और एजिटेटेड वाटर वगैरह आप सॉल्यूशन यूज करते हैं और एयर बबल में पास करते हैं, तो आपका जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो आपके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, और सरफेस पर आ जाते हैं और उसके बाद में वो मैटर फिर सेटल डाउन हो जाता है. उसके बाद क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी जो आपका एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है यूज, और आयन एक्सचेंज रेजिन भी इसका एग्जांपल हमने बताया था नेक्स्ट, जिसमें कैटायन और एनायन जो होते हैं वो एक्सचेंजर रेजिन की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं और एचायन और ओएचआयन सॉल्यूशन में आकर उनकी जो आपकी वाटर का प्योरिफिकेशन है उसकी हार्डनेस को कम कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है. तो वाटर सॉफ्टनिंग में भी ये सब प्रोसेस यूज होते हैं, ये फिनोमेना.